अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है कबीर उसामा और आज की मेरी वीडियो क्यू टैक्स में लाइव डिपॉजिट के हवाले से है। बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं बार बार कि डिपॉजिट नहीं आ रहा, डिपॉजिट नहीं आ रहा, और किसी का आ रहा है कि विड्रॉ नहीं आ रहा। तो ये मेरा दूसरा अकाउंट है, ये मेरा पर्सनल अकाउंट नहीं है, ये मेरा दूसरा अकाउंट है, ये न्यू अकाउंट मैंने क्रिएट किया हुआ है। तो ये भी मेरे है तो मेरा वेरीफाई है, ये भी अकाउंट मेरा दूसरा अकाउंट है, ये भी मेरा वेरीफाई है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखो, इसमें ज़ीरो बैलेंस है, कोई ऑर्डर प्लेस नहीं है इसके अंदर। तो इसमें मैं अब लाइव जो है वो आपको डिपॉजिट करके दिखाने वाला हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाजमी फुल तक एंड तक देख लेना, ताकि बाद में आप ये ना कहो कि हमने ऐसे किया तो ऐसे किया, हमारा डिपॉजिट नहीं आया। अब यहाँ से मैं सिर्फ आप लोगों को डिपॉजिट करके दिखाने के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है यार, फिर भी आप लोग बोलते हैं डिपॉजिट नहीं आ रहा। तो आज मैं जैज़ कैश करने वाला हूँ, क्योंकि इजी पैसा का ऑप्शन इसमें नहीं आ रहा। इजी पैसा का ऑप्शन नहीं आ रहा, उसका रीज़न ये है कि भाई जैज़ कैश और इजी पैसा, आपको पता लिमिट होती है कि इजी पैसा की 2 लाख लिमिट है मंथली की मेरे ख्याल, या डेली की जो भी होगा, और जैज़ कैश की 50,000 है। तो उनकी लिमिट कंप्लीट होगी जितने भी ब्रोकर है, इसलिए उन्होंने वहाँ से टेम्परेरी उनका ख़त्म कर दिया। जब नए ब्रोकर ऐड करेंगे या नया नंबर करेंगे या लिमिट बढ़ाएंगे तो वापस आ जाएगा इजी पैसा का ऑप्शन, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ से जैज़ कैश अवेलेबल है, जैज़ कैश लोग कम यूज़ करते हैं, इजी पैसा को लोग 90% मेरे ख्याल लोग जो पाकिस्तान में वो जैज़ के इजी पैसा ही यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो हर बंदा इजी पैसा यूज़ कर रहा है, जैज़ कैश से कोई भी नहीं करता, क्योंकि इसमें जो होता है ना, तो मेरे ख्याल वो क्यूआर कोड स्कैन करना होता है, तो वो इजी पैसा ज़्यादा इजी लगता है सबको। तो क्यूआर कोड करने के लिए आपके पास पहले तो मोबाइल की एप्लीकेशन लाजमी जैज़ कैश की होनी चाहिए। मैं यहाँ पर आपको लाइव डिपॉजिट करके दिखा रहा हूँ, न्यू अकाउंट है, 0-0 बैलेंस है, और ये देख लें डेमो पड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई ऑर्डर प्लेस नहीं है इसमें। अब यहाँ से सिंपली आपने क्या करना है, डिपॉजिट पे चले जाना है। डिपॉजिट वाले सेक्शन पे जाने के बाद यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो ये सारे हमें मिल रहे हैं। पहली बात ये है कि बैंक से कोई भी डिपॉजिट ना करे, बैंक से डिपॉजिट नहीं करना कभी भी। हाँ, बाइनांस पे है और बाकी जितने भी ये बाइनांस कॉइन है, यहाँ से आप लोग कर सकते हो अगर कोई करना चाहे तो। ये जल्दी आ जाते हैं, मतलब सेकेंडों में आ जाते हैं ये तो। अब यहाँ पे हमारे पास परफेक्ट मनी और इजी पैसा है, ठीक है, हम लोग सॉरी परफेक्ट मनी और जैज़ कैश है, हम लोग यहाँ से जैज़ कैश पे चले जाते हैं। सिंपल सा तरीका है, कोई इसमें बड़ा नहीं है। अब एक भाई बोल रहा था कि मैंने $10 डिपॉजिट किया और $100 मतलब कर दिया, $100 करके ना सेलेक्ट और किए उसने, $10 ब्रोकर को भी पैसे भेज दिए। तो यार अपनी खुद आप बेवकूफ़ी करते हो, अब इस तरीके से तो नहीं ना होता। अब यहाँ पे आप लोग देखो, मिनिमम अमाउंट $10 और मैक्सिमम अमाउंट $170 आप कर सकते हो। 48 घंटे का टाइम बोला उन्होंने कि अगर आपका डिपॉजिट नहीं आता तो 48 घंटे का टाइम है। लाइव आप लोगों को सारा कुछ यहाँ पे दिखाने वाला हूँ मैं। अब यहाँ पे ये मेरा न्यू अकाउंट है, बट इसमें मैंने ना वीडियो बनाने के चक्कर में मैं आप लोगों को सिर्फ वैसे ही समझाने वाला, तो उसमें मैंने 3-4 दफ़ा डिपॉजिट की ट्राई की है, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं सोचा चलो अब 3,000 रुपया लगाना पड़ेगा, आप लोगों के लिए लगा देता हूँ, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे मेरा नाम सेलेक्ट है सारा कुछ इजी पैसा वाला, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पेमेंट मेथड को टेक 48 घंटे, यहाँ पे भी बता रहा है, ये देख लें 48 घंटे का टाइम है, आप लोगों ने वेट करना और इसी तरीके से करना जैसे मैं कर रहा हूँ, तो आपका डिपॉजिट 100% आएगा। ऊपर $10 मैंने सेलेक्ट कर लिए, नीचे मैंने अपना नाम दे दिया जैज़ कैश वाला, और आपकी हर आईडी जो भी आप लोग यहाँ पे वेरीफाई करते हो ना, आईडी कार्ड का प्रूफ दे के वेरीफाई करते हो ना, तो आपका वो जैज़ कैश और इजी पैसा भी उसी मतलब नाम पे वेरीफाई होना चाहिए, नाम सेम होने चाहिए, नाम आगे पीछे भी हुए। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि वो यहाँ पे सिलेक्ट अपना नाम कर लेते हैं और पैसे भेजने के लिए अपने अब्बू के जैज़ कैश से भेज देते हैं या अपने घर वालों के जैज़ कैश से भेज देते हैं। यार ऐसे थोड़ी ना होता है, आपके अपने नाम से होगा तभी आएगा ना, आप दूसरे नंबर से यूज़ करोगे जैज़ कैश इजी पैसा तो कभी भी नहीं आने वाला। अब यहाँ से नाम दे देता हूँ अपना, यहाँ मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पर ऑलरेडी सेलेक्ट है, तो यहाँ पर मैं पे नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये मुझे ले जाएगा नेक्स्ट पेज पे, जहाँ मुझे ब्रोकर को पैसे भेजने, वो जो ब्रोकर कोई भी आएगा वो हमारे अभी सामने आ जाएगा। ये ब्रोकर का नाम है जी, अकाउंट का टाइटल इसका ये है जी, अली ऑनलाइन नाम है इसका, ठीक है। अभी सिंपल हमें क्या करना है, सिंपल हमें यहाँ से, अब यहाँ से हम एप्लीकेशन, मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ तो मैं फ़ोन में डायरेक्ट नहीं जा सकता, यहाँ से मैं क्या करूँगा नंबर देख लेता हूँ। अब मैं जाता हूँ अपनी जैज़ कैश की एप्लीकेशन में, वो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके साथ में अटैच कर दूंगा फ़ोन की भी। अब यहाँ जाने के बाद मैंने जैज़ कैश एप्लीकेशन ओपन कर ली, ये जैज़ कैश मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर ली है। अब मैं जैज़ कैश एप्लीकेशन के अंदर आ चुका हूँ, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा
कि वो बोल रहा है कि QR कोड का, यहाँ पे भी आप लोग देखो ये लिखा हुआ ना, ये आपने यूज़ स्कैन QR कोड ट्रांसफ़र टू इस ID पे करने के लिए QR कोड पे क्लिक कर देना हमने सिंपली सा। अब क्लिक करने के बाद वो हमें यहाँ पे बोल रहा है जी इंटर TIL ID। TIL ID कौन सी है जी? ये वाली TIL ID है, ठीक है ना, ये TIL ID पर मुंतकिल करें, ये TIL ID है उसकी। तो सिंपली हम लोग ये TIL ID के ऊपर इंटर कर देंगे। अब यहाँ पे नंबर जो है वो यहाँ से आप लोग नंबर देख रहा हूँ मैं लैपटॉप से, और मैं यहाँ पे डायल कर देता हूँ 00 47 00 47 9200। ये करने के बाद नंबर चेक कर लेना। अब यहाँ से आपने पैसे भेजते वक्त ब्रोकर को जो है ना स्क्रीनशॉट लेना। अब यहाँ पे 2999 है ना, तो मैं 3000 ही कर देता हूँ सीधे। तो यहाँ से मैंने 3000 कर दिया, ये ऊपर लिखा भी आ गया, यहाँ से देख लें आप अली ऑनलाइन शॉपिंग, ये लिखा आ गया, ठीक है। ये हो गया, इसके बाद कंफर्म पेमेंट करूँगा मैं। करने के बाद यहाँ से मैं ओके कर दूँगा और ये मेरी पेमेंट उस पर चली गई है, ठीक है ना। ये उसको पैसेज मेरे चले जा चुके हैं, उसके ट्रांसफ़र हो चुके हैं उसके अकाउंट में। अब यहाँ से सिंपली मैंने क्या करना है, इसको सेव कर लेना है। अब सेव करने के बाद मैं वापस आ जाऊंगा और मुझे TID नंबर जो वहाँ से मिला है ना, वो यहाँ पे मैसेज आया उनका कि नहीं, ये देखें यहाँ पे ये मैसेज भी आ चुका है, ठीक है। ये मैसेज आ गया और नीचे ये TID नंबर आ गया। अब TID नंबर ये होता है, TID नंबर हर बंदा ही पूछता रहता है, ये TID नंबर है, लिखा लिखा TID नंबर। अब ये नंबर बिल्कुल एक्यूरेट चेक करके हमने लगाना है यहाँ पर। अब मैं यहाँ से मोबाइल से देख रहा हूँ, तो यहाँ पे ये मैंने देखे, ये डिपॉज़िट करने के लिए ना, आपको वीडियो बनाने के लिए पहले मैंने 3-4 दफ़ा गलत से किए हैं, लेकिन मैंने कहा रियल करके दिखाता हूँ ताकि लोगों को समझ भी आए। यहाँ पे मैं नंबर डाल देता हूँ जी 05 05 37 0 3 2 3 2 6 3। अब ये नंबर चेक करना बहुत ज़रूरी है, नंबर एक भी गलत हुआ तो पैसे वापस कभी नहीं आने वाले, गए पैसे आपके, समझ लगी है ना। ये नंबर लाजमी देखना, चेक करना। ये नंबर है जी 55, ये देखें जी 055 37 055 37 032 032 032 032 है 032, फिर 32, फिर 63। अब यहाँ पे अच्छे तरीके से कंफर्मेशन करनी है इसकी, आपने 055 37 032 32 63 3 2 3 2 63 0 37 0 32 32 63 करने के बाद हमने इसका स्क्रीनशॉट लेना है। तो लैपटॉप से मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले रहा, तो मैं क्या करूँगा, इसकी पिक्चर बना लेता हूँ, मैं तस्वीर एक मैं बना लेता हूँ यहाँ से ना, मैं इसकी तस्वीर खींच लेता हूँ, तो ये मेरे पास प्रूफ हो जाएगा। ये मैंने इसकी तस्वीर बना ली है, ये देखें, ठीक है ना, ये मैंने इसकी तस्वीर बना ली है। ये पता नहीं रिकॉर्डिंग में आती है कि नहीं, ये मेरे ख्याल आ गई है रिकॉर्डिंग में भी ना, ये तस्वीर मेरी बन गई है, ठीक है। अब हम लोग वापस चलते हैं लैपटॉप के अंदर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको करेंगे जी कंफर्म पेमेंट। लो जी ये हो गया कंफर्म पेमेंट हमारे, और बैक वेबसाइट पे, अगर ये वेबसाइट पे जाने के लिए बोल रहा है, अगर वे नहीं भी जाता है तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी जा सकते हो, मतलब ऐसे बैक करके भी आ सकते हो एप्लीकेशन पे। अब ज़रूरी नहीं है कि बैग एप्लीकेशन पे नहीं आ रहा तो नहीं आएगा, डायरेक्ट भी जा सकते हैं। अब जो मेन चीज़ है डिपॉज़िट आने में ना, इनका प्रोसेसिंग टाइम होता है जो भी होता है इनका, वो 48 घंटे का, उन्होंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि 48 घंटे लगेंगे आपका जो है वो डिपॉज़िट आपके अकाउंट में आने में, ठीक है। अब आपने चेक कैसे करना कि हमारे मतलब उसमें डिपॉज़िट हमारा हो गया है प्रोसेसिंग में या जो भी है, तो ये टाइम अभी लगेगा 48 घंटे का बताया, 9:37 हो रहे हैं, देखते हैं कब तक आता है। तब तक हम चेक कर लेते हैं कि हमारा डिपॉजिट किधर पड़ा हुआ है। हम लोग सिंपली यहाँ से सिंपली यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे हमने सेटिंग में चले गए। यार इसका ना थोड़ा सा मुझे लैपटॉप में बड़ा टेंशन रहती है, ये मुझे समझ नहीं आती यहाँ से इसकी। ट्रेड वाली निशान यहाँ पे 3 डॉट में आया, अकाउंट के अंदर आ गए, ये सॉरी नीचे पड़ा हुआ ये यार, ये तो वेरीफाई है ना, खैर अकाउंट मेरा वेरीफाई है, वेरीफाई होना लाजमी है वरना विड्रॉल डिपॉजिट नहीं होगा। हम लोग सेटिंग में क्लिक करेंगे ना, तो यार ये नीचे
नहीं सेटिंग में नहीं, यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं तो, ये नीचे आप देखो ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है, ये ट्रांजैक्शन के ऊपर हमने क्लिक किया ना, तो यहाँ पे ये मुझे बता देगा कि प्रोसेसिंग टाइम क्या। ये देखें आप, यहाँ से मैंने ये बता रहा है मुझे, ये मैंने पहले ये आपको ना नकली करके दिखाई है $100 का ये वो। अब यहाँ पे आप लोग देखो ये प्रोसेसिंग टाइम बता रहा है मुझे कि भाई आपका प्रोसेसिंग टाइम है अभी, ये मेरा ऑर्डर लग गया। तो उसके बाद हम लोग दूसरी तरह से कैसे चेक करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका 48 घंटे के अंदर भी नहीं आता है डिपॉजिट, 48 घंटे में अगर नहीं आता है तो आप ये सवालिया निशान देख रहे हैं ये सेम मोबाइल में भी होता है, इस पर क्लिक करना है आपने, कॉन्टैक्ट सपोर्ट पे आ जाना है आपने, कॉन्टैक्ट सपोर्ट पे क्लिक कर लें, सेम है मोबाइल में भी। यहाँ से आप करोगे जी क्रिएट रिक्वेस्ट करना है आपने, माई रिक्वेस्ट पड़ी हुई है यहाँ पे, ये क्रिएट रिक्वेस्ट कर दो यहाँ पे। क्रिएट रिक्वेस्ट करके जब आप नीचे आना है यहाँ से आपने, ये कॉन्टैक्ट कस्टमर सपोर्ट आ गया, इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे करोगे ना तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिफिकेशन डिपॉजिट विड्रॉवल अदर इशू। अब आपका जो भी मसला है, जो भी इशू है आपका, सॉरी इशू निकल जाता है यार मेरे मुंह से, तो चाहे डिपॉजिट है चाहे विड्रॉ, अब आपने हमारा है डिपॉजिट का चेक करना हमने, तो ये फर्स्ट वाला जो है ना फंड है बिन डेडिक्यूट कार्ड वर्ड नॉट काउंट क्रेडिट इन माई कार्ड, ये ऊपर वाला जो है ये डिपॉजिट का है, नीचे वाला विड्रॉवल का है। तो हम लोग जाएंगे फंड पे, अब फंड पे क्लिक करने के बाद स्पेसिफिक आईडी हमने चेक करनी कि हमारी कौन सी आईडी जो लगी हुई है जैज कैश के लिए जो। अब ये देखें यहाँ पे लिखा आ रहा है जी जैज कैश का हमारा आ रहा है $10 हमारा, मतलब अभी डिपॉजिट जो है वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है, ठीक है कि अभी हमारा डिपॉजिट नहीं हुआ। अगर कोई होगा ना 48 घंटे कंप्लीट हो तो नहीं आए तो यहाँ पे आ जाएगा कि आपने पूछेंगे, यहाँ पे लिखा आ जाएगा स्क्रीनशॉट भेजें, अपना भेजे होंगे तो नहीं, अगर आपने नहीं भेजे होंगे तो आपने नो पे क्लिक करना और फिर वो आपको ऑप्शन देगा स्क्रीनशॉट भेजे होंगे तो आपने स्क्रीनशॉट उनको सेंड कर देने। जब आप प्रूफ दोगे उनको तो फिर आपके डेफिनेटली आपके अकाउंट में वो ट्रांसफ़र करेंगे, उनको पता है कि इसने ब्रोकर को पैसे देने, स्क्रीनशॉट लाजमी होने चाहिए। स्क्रीनशॉट आपके पास होंगे तो आपका डिपॉजिट 100% जो है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वीडियो फ़िलहाल क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि डिपॉजिट 48 घंटे का उन्होंने बोला है, लेकिन 48 घंटे से पहले आ जाता है अगर आप सही तरीके से करो, कोई गड़बड़ ना हो तो। तो अभी मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ, अगर अभी आता है तो ठीक है, नहीं है तो फिर सुबह आएगा, जैसे ही वो मेरा डिपॉजिट आएगा तो वहीं से मैं कंटिन्यू करूँगा वीडियो करके, आपको बता दूंगा कि भाई मेरा डिपॉजिट जो है वो आ गया है और कितनी देर में आया वो भी मैं आपको तभी बता पाऊँगा, अभी मैं नहीं बताता क्योंकि 48 घंटे का उन्होंने टाइम दिया हुआ है। ये देखें नहीं, यहाँ पर मेरा डिपॉजिट जो है वो आ चुका है, अभी मैंने 9:47 पे किया था और ये 9:16 हो रहे हैं, मतलब आधे घंटे के अंदर मेरा डिपॉजिट जो है वो आ गया है। अब यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हो ऊपर $10 शो भी कर रहे हैं यहाँ पे, और अब मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ जो प्रोसेसिंग टाइम था इसका। यहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ पे हमें ट्रांजैक्शन में जाएंगे ना तो यहाँ पे देखना आप जैज कैश का, ये देखें ये जैज कैश लिखा आ गया ना, जैज कैश प्रोसेसिंग डिपॉजिट लिखा हुआ है बट ये हमारा कम्प्लीट हो चुका है, ठीक है, ग्रीन मार्क आ चुका है और हमारे अकाउंट में पैसे भी आ चुके हैं। तो डिपॉजिट का इशू नहीं है, डिपॉजिट आपका आ जाता है अगर आप सही तरीके से डिपॉजिट करो तो 100% आपके अकाउंट में आएगा। और दूसरा ये है कि आपने जैसे मैंने बताया, अगर आप लोग उस चीज़ को फॉलो करके डिपॉजिट करोगे 110% आपका जो है वो डिपॉजिट आ जाएगा। अब जो लोग बोल रहे हैं बट डिपॉजिट नहीं आ रहा, पता नहीं वो कैसे डिपॉजिट करते हैं, ये आपके सामने मैंने किया है और ये $10 मेरे अकाउंट में आ चुके हैं, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, लाइक कीजिएगा, और कोई और मसला हो तो मुझे बताइएगा, और विड्रॉल के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा अगर आप लोगों ने बोला तो। अगर आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं विड्रॉल का इशू आ रहा है तो मैं आपको लाइव जो है जैज़ कैश में विड्रॉ भी लेके दिखाऊंगा, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।